जेएसएससी सीजीएल आंदोलनरत देवेंद्रनाथ महतो के साथ 15 नामजद समेत 4000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। देवेंद्रनाथ महतो से संपर्क नहीं होने पर करीबी योगेश चंद्र भारती और महेंद्र प्रसाद से संपर्क करने पर बताया कि आंदोलन के अगुवा देवेंद्रनाथ महतो को पेपर लीक करने वाले गैंग और जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा के लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खबर विस्तार से। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक महाघोटाला के विरोध तथा 28 जनवरी के सभी पेपर रद्द एवं 4 फरवरी की परीक्षा को स्थगित कर जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला का सीबीआई जांच, अध्यक्ष नीरज सिन्हा का इस्तीफा, सीजीएल एग्जाम लेने वाले एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर नई विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर कर यथाशीघ्र परीक्षा घोषणा करने और सीजीएल लेने वाले एजेंसी ही पीजीटी नगर पालिका लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया हो तो उक्त परीक्षा का सीबीआई जांच का मांग को लेकर निरंतर चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे दिन 31 जनवरी 2024 को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष महाघेराव कर रहे छात्र झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो, योगेश चंद्र भारती, मनोज यादव, संजय मेहता, बेबी महतो, महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक, लक्की रामू, चंदन रविंद्र महतो, विशाल पॉल, साइना प्रवीण, देव महतो, विनय मेहता, महेंद्र प्रसाद महतो समेत 3000-4000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया। सभी पर अध्यक्ष नीरज सिन्हा को गाली गलौज, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने, मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के अलावा अन्य आरोप में आईपीसी धारा 147/148/349/383/323/332/504/506/504/506/427 एवं 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के आरोपित बनाया गया है। हालांकि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलन के दौरान ही 31 जनवरी को जेएसएससी पेपर लीक को स्वीकारते हुए अपना ऑफिशियल वेबसाइट में 28 जनवरी को आयोजित सीजीएल एग्जाम का सभी पेपर को रद्द कर दिया तथा 4 फरवरी के परीक्षा को स्थगित कर दिया है। देवेंद्रनाथ महतो से संपर्क नहीं होने पर करीबी योगेश चंद्र भारती और महेंद्र प्रसाद से संपर्क करने पर बताया कि आंदोलन के अगुवा देवेंद्रनाथ महतो को पेपर लीक करने वाले गैंग और जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा के गुंडों द्वारा जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है, जिसके वजह से देवेंद्रनाथ महतो गुप्त रूप से छिपकर जान बचाए हुए हैं। फिलहाल देवेंद्रनाथ महतो कहां छिपे हुए हैं किसी को जानकारी नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले देवेंद्रनाथ महतो को सुरक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही योगेश चंद्र भारती और महेंद्र प्रसाद ने बताया कि पेपर लीक में शामिल कोचिंग माफिया, जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा और उनके लोगों द्वारा आंदोलन को बदनाम करने की साजिश से पढ़ने वाले छात्रों को एक तरफा टारगेट करके हमला किया, तोड़फोड़ किया गया। अध्यक्ष खुद अपने ऊपर हमला कराकर पेपर लीक करने वाले माफिया को बचाकर निर्दोष पढ़ने वाले छात्रों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।